फ्रेंड्स, बच्चों आज हम काव्य शास्त्र साहित्य शास्त्र के प्रसिद्ध ग्रंथ काव्य प्रकाश को प्रारंभ कर रहे हैं। आचार्य मम्मट द्वारा रचित काव्य प्रकाश साहित्य शास्त्र की एक श्रेष्ठ कृति है जिसमें काव्य के लिए प्रतिपादित होने वाले नियमों का बहुत ही सरल और सहज भाषा में वर्णन किया है। बच्चों, काव्य प्रकाश कार ने अपने इस ग्रंथ को सूत्रात्मक शैली में लिखा है जिसे कारिका के रूप में बद्ध किया गया है। आचार्य मम्मट ने ही कारिकाओं पर वृत्ति को लिखा है। काव्य प्रकाश में 10 उल्लास, इन्हीं उल्लास में हम प्रथम उल्लास को आज प्रारंभ कर रहे हैं। प्रथम उल्लास का विषय बच्चों, काव्य के प्रयोजन, कारण, लक्षण, हेतु, काव्य के स्वरूप बताए गए हैं। सर्वप्रथम बच्चों, काव्य प्रकाशकार आचार्य मम्मट ने अपने ग्रंथ का प्रारंभ मंगलाचरण के द्वारा किया है। यह अपनी संस्कृति की, यह भारतीय संस्कृति की परंपरा रही है कि हम किसी भी शुभ कार्य को जब प्रारंभ करते हैं मंगलाचरण करते हैं। मंगलाचरण, मंगलाय आचरणम इति मंगलाचरणम, अर्थात जो मंगल के लिए, शुभ प्राप्ति के लिए किया गया आचरण है वह मंगलाचरण कहलाता है। अपने ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति के लिए मंगलाचरण से अपने ग्रंथ को प्रारंभ कर रहे हैं। तो आइए आज हम भी मंगलाचरण करते हुए हमारा काव्य प्रकाश प्रारंभ करते हैं। ठीक है बच्चों, श्री मम्मटाचार्य कृतः एषः काव्य प्रकाशः नाम कह ग्रंथो वर्तते। प्रथमः उल्लासः मंगलाचरणम्। ग्रंथारंभे विघ्न विघाताय समुचितेष्ट देवताम ग्रंथ कृत परामृशति। बच्चो, ग्रंथारंभे, ग्रंथस्य आरंभे, ग्रंथारंभे, ग्रंथ के आरंभ में विघ्न विघाताय, विघ्ना नाम विघात है तस्मै, विघ्नों के विघात के लिए, विघ्नों के नाश के लिए समुचितेष्ट देवताम, समुचित इष्ट देवताम, समुचित का अर्थ है अच्छी प्रकार से, इष्ट देवताम अपने इष्ट देवता को ग्रंथकृत, ग्रंथकार परामृशति परामर्श करते हैं या स्मरण करते हैं। बच्चों, ग्रंथारंभे विघ्न विघाताय, ग्रंथ के प्रारंभ में, ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति के लिए अच्छी प्रकार से अपने इष्ट देवता को ग्रंथकार स्मरण करते हुए इस प्रकार परामर्श कर रहे हैं या इस प्रकार कह रहे हैं। तो बच्चों, यहाँ पर इष्ट देवता से अभिप्राय वांग देवी, वाग देवी, सरस्वती से है। प्रस्तुत पंक्ति में एक महत्वपूर्ण पद का प्रयोग हुआ है, वह है ग्रंथ। आचार्य मम्मट ने ग्रंथ कृत पद का प्रयोग किया है। ग्रंथ क्या है, ग्रंथ किसे कहते हैं? ग्रंथ के लिए कहा गया है बच्चों, पंचांगकम वाक्यम ग्रंथः। ठीक है बच्चों, पंचांगकम वाक्यम ग्रंथ है, तो पांच अंगों वाला वाक्य ग्रंथ कहलाता है। तो पांच अंग कौन कौन से हैं? ये इस प्रकार से है, विषय, संशय, पूर्व पक्ष, उत्तर पक्ष तथा निर्णय की प्राप्ति। ठीक है बच्चों, ऐसे ग्रंथ जिसमें ये पांच तत्व विद्यमान हो वह ग्रंथ कहलाता है, तथा आचार्य मम्मट कृत काव्य प्रकाश में ये सभी अंग
विद्यमान है। काव्य प्रकाश में भी अनेक विषयों का वर्णन किया गया है तथा अनेक पक्षों का अनेक संदेह के निवारण के लिए पूर्व पक्ष तथा उत्तर पक्ष रख करके निर्णय किए गए हैं। आचार्य मम्मट मंगलाचरण में अपने इष्ट देवता, अपने अधिष्ठात्री देवता का स्मरण करते हुए इस प्रकार कह रहे हैं, नियति कृत नियम रहिताम लादैक मईम अनन्य परतंत्राम नव रस रुचिराम निर्मितिम आदधती भारती कवेर जयति। बच्चों पदों को समझ लेते हैं। नियति के द्वारा किए गए या रचे गए नियमों से जो रहित है उसको लादैक मईम जो मात्र आनंद को देने वाली है, अनन्य परतंत्राम ने अन्य परतंत्राम जो अन्य पर आश्रित नहीं है अर्थात जो स्वयं पर ही आश्रित है, नौ रस रुचिराम जो नौ रसों से रुचिकर है, निर्मितिम ऐसी रचना को आदधती धारण करती हुई। बच्चों यहाँ क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। कवे भारती कवि की भारती कवि की वाणी जयति श्रेष्ठ है। जयति का अर्थ यहाँ पर श्रेष्ठ के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोत्कर्षशालिनी है। बच्चों कवि की रचना कवि की वाणी सदैव विजयी है। यह कवि की वाणी कैसी है, क्या विशेषताएं हैं? यहाँ पर आचार्य मम्मट ने कवि की रचना की चार विशेषताओं का वर्णन किया है। ये चार विशेषताएं इस प्रकार से हैं। नियति सृष्टि ही की दृशी, कवि सृष्टि ही की दृशी, ब्रह्मण है सृष्टि ही की दृशी, कवे सृष्टि ही की दृशी। नियत कृत नियम रहिताम लादैक मईम अनन्य परतंत्राम नव रस रुचिराम, यह कवि की सृष्टि है तथा ब्रह्मा की सृष्टि नियत कृत नियम युक्ता सुख दुख मोह स्वभाव अन्य परतंत्र तथा षड रसा होती है। षड रसा परंतु रुचिरा हो ऐसा नहीं है, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। प्रस्तुत मंगलाचरण में बच्चों आचार्य मम्मट ने कवि की काव्य सृष्टि को ब्रह्मा की सृष्टि से श्रेष्ठ बताया है। ध्वन्यालोककार भी अपने ग्रंथ में इस प्रकार कहते हैं, अपारे काव्य संसारे कवि रे कहे प्रजापति ही यथा अस्मै रोचते विश्वम तथेदम परिवर्तते। बच्चों यहाँ पर काव्य रूपी संसार की कल्पना की गई है। जिस काव्य रूपी संसार में कवि रूपी प्रजापति विद्यमान है तथा यह कवि रूपी प्रजापति अपनी इच्छा के अनुसार इस संसार के स्वरूप को परिवर्तित करता रहता है। ध्वन्यालोककार ने काव्य रचना को प्रजापति की रचना से श्रेष्ठ कहा है, उसी प्रकार आचार्य मम्मट ने अपने मंगलाचरण में कवि की सृष्टि को श्रेष्ठ कहा है। ब्रह्मा की सृष्टि कैसी है बच्चों? ब्रह्मा की सृष्टि नियति कृत नियम युक्ता, ब्रह्मा की सृष्टि नियति के द्वारा किए गए नियमों से युक्त होती है। ये नियति क्या है बच्चों? नियति है बच्चों नियम्यन्ते
सौरभा दयो धर्महा अनया इति नियति ही। यह नियति कैसी है? नियति के द्वारा सौरभ आदि धर्म नियंत्रित किए जाते हैं। बच्चों, ब्रह्मा की सृष्टि में सभी के अपने अपने असाधारण धर्म होते हैं। जैसे कमल का धर्म है सुगंध, अग्नि में उष्णत्व, जैसे पृथ्वी गंधवती होती है। तो सबके इस ब्रह्मा की इस सृष्टि में सबके अपने अपने धर्म है। कमल में सुगंध ही प्राप्त होगी, परंतु कवि की सृष्टि तो अद्वितीय है, विलक्षण है। तो कवि की सृष्टि में तो कमल के स्वरूप भिन्न भिन्न हो जाते हैं। एक और स्त्री के मुख में कमल की सुगंध है तो वही आंखों में कमल का सौंदर्य आ जाता है तथा उसके शरीर में कमल की कोमलता आ जाती है। तो यह कवि ही है, अपनी विलक्षण शक्ति के द्वारा असाधारण धर्म की रचना कर लेता है। जैसे राजीव लोचन, जबकि राजीव तो सुगंधमय होता है। तो यह है कवि की नियम कृत नियम रहिता सृष्टि। जहां बच्चों ब्रह्मा की सृष्टि में चंद्रमा की चांदनी शीतलता ही प्रदान करती है, वहीं कवि की सृष्टि में यही चंद्रमा की चांदनी विरहिणियों के लिए अग्नि का कार्य करने लग जाती है। इस प्रकार कवि की सृष्टि विलक्षण है, नियम रहिता है। नियति का एक और अर्थ है अदृष्ट या धर्माधर्म। ब्रह्मा की सृष्टि में बच्चों प्राणी पूर्व में किए हुए कर्मों के आधार पर अपना फल प्राप्त करता है। उसे जो सुख और दुख की प्राप्ति होती है, यह सुख और दुख की प्राप्ति उसे अपने पूर्व संचित किए हुए कर्म के आधार पर होती है। परंतु कवि की सृष्टि नियति के इस स्वरूप से भी अप्रभावित है। वहां पर कवि एक बार जब अपने नायक को घोर संघर्ष में और विपत्ति में डाल देता है, वही कवि अपनी अतर्कित रूप से मनोवांछित सामग्री से उस नायक को इस घोर संघर्ष से बाहर निकालने का सामर्थ्य भी रखता है। तो इस प्रकार बच्चों ब्रह्मा की जो सृष्टि है वह नियतिकृत नियम युक्त होती है तथा कवि की सृष्टि नियतिकृत नियम रहिता होती है। उन्हें आता है लादैक मयीम। द्वितीय विभक्ति एक वचन है बच्चों, इनमें लादैक मयी कवेः सृष्टि ही भवति। कवि की सृष्टि आनंद देने वाली होती है, मात्र आनंद देने वाली होती है। ब्रह्मा की सृष्टि सुख दुख और मोह के स्वभाव वाली होती है, सगुणी, सतोगुण रजोगुण तथा तमोगुण से युक्त होती है। इसलिए ब्रह्मा की सृष्टि सुख दुख और मोह देने वाली होती है। यहाँ मनुष्य को केवल सुख की प्राप्ति नहीं है, दुख भी संभव है। परंतु कवि की सृष्टि में लादैक मयी केवलम, यह केवल आनंद देने वाली होती है। वहां केवल आनंद ही आनंद होता है, जो कि सहृदयों के हृदयों को आनंदित करता है, चाहे वह करुण रस हो या फिर श्रृंगार रस हो। रघुवंश में इंदुमती के लिए अज का विलाप, उत्तर रामचरितम में वर्णित सीता के लिए राम का विलाप। तो ऐसी स्थिति में मनुष्य को रसानुभूति किस प्रकार हो सकती है, यह विचारणीय होता है। बच्चों, जब हम करुण रस प्रधान किसी दृश्य को देखते हैं या किसी श्रव्य को सुनते हैं, तो उस समय भी मनुष्य उस दृश्य में इतना खो जाता है, इतना लीन हो जाता है कि वह अपने अस्तित्व को उसी में ही मिला लेता है
तथा उसकी अश्रुधारा बहने लगती है। जिज्ञासा हो सकती है कि करुण रस जिसे देखकर नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित हो रही है, बह रही है, वहां आनंद की प्राप्ति कैसे हो सकती है? वहां आनंद की प्राप्ति संभव है। क्यों? क्योंकि मनुष्य उस पात्र के साथ एकाकार होकर के उसे रस के रूप में ग्रहण करता है, वहां करुण रस का परिपाक होने लगता है तथा सहृदय सामाजिक उस दृश्य को बार बार देखता है। यदि उसे उसे देख करके दुख होता तो वह उसमें आनंद की अनुभूति नहीं करता। जैसा कि कहा गया है बच्चों, करुणा दावपि रसे यत जायते परम सुखम स चेतसाम अनुभवै प्रमाणम तत्र केवलम। अर्थात करुण रस में जो आनंदानुभूति होती है वहां केवल सहृदयों के हृदय ही प्रमाण स्वरूप होते हैं। तो बच्चों, कवि की सृष्टि कैसी है? कवि की सृष्टि मात्र आनंद को देने वाली है। यहां बच्चों जो एक पद का प्रयोग हुआ है यह संख्या नहीं है, यह संख्येय है। संख्येय का अर्थ है यहां पर प्राचुर्येण प्रस्तुतम यस्याम स एक मई। ठीक है, जो प्राचुर्य से जो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो जाती है, जो मात्र एक रूप में नहीं है, आनंद मात्र परिच्छन्न स्वरूपा है, ऐसी कवि की सृष्टि है। कवि की सृष्टि अनन्य परतंत्रा होती है तथा ब्रह्मा की सृष्टि अन्य परतंत्रा है। अन्य परतंत्रा कहने का अभिप्राय है बच्चों, सृष्टि जैसा कि दर्शन का विषय है, यह सृष्टि यह चराचर जगत प्रकृति पुरुष के संयोग से उत्पन्न हुआ है, अथवा इस सृष्टि की उत्पत्ति के लिए समवायी असमवायी तथा निमित्त कारण होने चाहिए। जैसा कि सांख्य ने प्रकृति तथा पुरुष के संयोग से सृष्टि कहा है तथा समवायी असमवायी तथा निमित्त कारण न्याय दर्शन के अनुसार कहा गया है, तो ब्रह्मा की सृष्टि के लिए किसी कारण का होना अनिवार्य है। परंतु कवि की सृष्टि किसी पर भी आश्रित नहीं है। कवि की जो रचना है बच्चों, वह कवि की अपनी शक्ति पर निर्भर करती है। यहाँ किसी अन्य सामग्री की आवश्यकता नहीं होती। अब है बच्चों षड रसा नियति सृष्टि ही। ब्रह्मा की सृष्टि षड रसा होती है तथा कवे सृष्टि ही नव रस रुचिराम, नव रसों से युक्त होती है। ब्रह्मा की सृष्टि में छह रस कहे गए हैं। ये छह रस कौन कौन से हैं? ये छह रस बच्चों आयुर्वेद के अनुसार कहे गए हैं मधुर, कषाय, अम्ल, लवण, कटु तथा तित। ब्रह्मा की सृष्टि के ये छह रस अवश्य नहीं है ये आनंद की ही प्राप्ति कराए, ये रुचिकर हो। षड रसा केवलम षड रसा भवति नियते है सृष्टि ही, यह रुचिकर है या नहीं है। कवि की सृष्टि नव रस रुचिरा, नव रस रुचिरा नव संख्या कहा रसहा वर्तन्ते यस्याम सा नवरसा। जिसमें नौ रस विद्यमान है वह नवरसा कवि की सृष्टि है। पुनः नव रस रुचिरा तो नव रसा चासौ रुचिरा
नव रस रुचिरा। ठीक है बच्चों, यह कवि की सृष्टि नवरसा है और रुचिकर है। चाहे श्रृंगार रस हो, चाहे विभत्स रस हो, चाहे करुण रस हो, सभी रुचिकर है, प्रिय है। जब सहृदय सामाजिक काव्य को किसी भी रस से प्रधान काव्य सुनता है या देखता है, तो वह सहृदय सामाजिक उस रस प्रधान काव्य में इतना डूब जाता है, इतना लीन हो जाता है कि वह उसकी अनुभूति से मात्र आनंद की ही प्राप्ति करता है। तो इस प्रकार कवि की सृष्टि नियति के द्वारा बनाए गए नियमों से रहित होती है, वह मात्र आनंद को ही देने वाली होती है, परतंत्र नहीं है, तथा नौ रसों से युक्त होती हुई रुचिकर होती है। जो बच्चों कवि की सृष्टि है, कवेः सृष्टिः, यह उपमेय है, ठीक है। तथा ब्रह्मणः सृष्टिः, यह उपमान है। ये तो जानते हैं आप, उपमान किसे कहते हैं, जिससे उपमा की जाए, उपमेय जिसकी, कौन श्रेष्ठ होता है, कौन उत्कर्ष होता है, कौन अधिक होता है, उपमान अधिक होता है। प्रस्तुत कारिका में उपमान से उपमेय का आधिक्य वर्णित है, अतः यहाँ पर व्यतिरेक अलंकार है, ठीक है। तो बच्चों आज हमने ब्रह्मा की सृष्टि तथा कवि की सृष्टि का यह भेद आचार्य मम्मट के मंगलाचरण के द्वारा जाना। तो कैसी है यह सृष्टि? नियति कृत नियम रहिताम लादैक मयीम अनन्य परतंत्राम नव रस रुचिराम निर्मितिम आदधति भारती कवेर जयती। तो बच्चों इस प्रकार आज हमने मंगलाचरण के माध्यम से कवि की सृष्टि के विशेषताओं को जाना है। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम इससे आगे का अध्ययन करेंगे। थैंक यू।